जबलपुर में तबलीगी जमातियों के लिए अच्छी खबर आई है। नागपुर से पिछले महीने जबलपुर आए 8 जमातियों को जिला प्रशासन ने एक मस्जिद में क्वारंटाइन किया था, जहां इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने स्वस्थ होने का सर्टिफिकेट देकर अपने अपने घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। वहीं सभी जमातियों ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए आगे भी लॉकडाउन का पालन करने की बात कही है। देखिए, कोरोना संक्रमण के दौरान हमारा पूरा विश्व और पूरा देश इसका सामना कर रहा है। हमारे ये भाई नागपुर से आए थे और मैं सुख सागर सेंटर का इंचार्ज हूँ, प्रभारी हूँ। तो ये सुबह सुबह नागपुर से बस द्वारा पहुँचे थे और फिर ये हमारे साथ सुख सागर सेंटर में इन्होंने कुछ दिन क्वारंटाइन का समय व्यतीत किया। बड़े संयम के साथ, बड़े नियम के साथ ये लोग हमारे सेंटर में रहे। ना हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी इन लोगों के साथ हुई और हम लोगों ने ये पूरा प्रयास किया कि इन लोगों को किसी भी तरह के परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जैसा परीक्षण होता है, देखिए इन लोगों के कितने टेस्ट हो चुके। इन लोगों का एक टेस्ट हुआ जो पॉजिटिव आया नागपुर में, उसके बाद इनके दो परीक्षण और वहाँ नेगेटिव हुए और हमारे यहाँ आने के बाद भी हमने ये प्रयास किया और इनका एक एक टेस्ट फिर से कराया जो कि नेगेटिव आया। इसमें निश्चित तौर पे हमें थोड़ा सा ये तकलीफ हुई कि जितने लोग थे उसमें से एक जो सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति था उसके टेस्ट का रिजल्ट लेट हुआ, तो बेचारे को अकेले एक या दो दिन वहाँ पर और रुकना पड़ा। लेकिन उसने भी कभी भी हम लोगों को परेशान नहीं किया। 4 जगह क्वारंटाइन और आइसोलेशन करने के बाद 29 तारीख को जबलपुर आना हुआ, लेकिन यानी 8 सीटर बस से 8 लोग आए। सुबह आने के बाद मानो किसी भी रास्ते से हम लोग को आने की एंट्री नहीं मिल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम लोग बहुत बड़े कैदी या मुजरिम हैं। लेकिन हम एसपी साहब को सल्यूट करते हैं कि इन्होंने को जैसे ही पता चला फौरी तौर से हम लोगों की बस विक्टोरिया से सैंपल लेकर सुख सागर में 2 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। तीसरे दिन शाम को हमारे डॉक्टर संजय मिश्रा सर ने हमको खुद ये खबर दी कि भाई सारे साथियों का नेगेटिव आया है। तो ऐसी खुशी हो रही थी और खुशी की वजह से लोग सजदे में गिर गए और बहुत ज़्यादा यानी हम लोग खुशी। लेकिन आगे और चलें कि भाई रफी अहमद और मिश्रा डॉक्टर साहब ने ये मशवरा करके अपने एडिशनल कलेक्टर हर्षित दीक्षित साहब से मदीना मस्जिद में क्वारंटाइन के लिए परमिशन ली और आपने दे भी दी। तो आज हम लोग इस क्वारंटाइन को पूरा कर रहे हैं। हम भाई रफी अहमद और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बीच क्वारंटाइन के दौरान हम लोग का मास्क का पूरा नियम का पालन किया गया और सैनिटाइज़र का उपयोग, साबुन का उपयोग किया गया, दूरियां बना कर रखी गई, किसी को आने नहीं दिया गया, ना किसी को बाहर जाने दिया गया, इसका पालन किया गया। और हम इस वक्त सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं ये हमारे मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान अंसारी और कमरुल हक, जिन्होंने हर लॉकडाउन के से जब हुआ है तब से लोगों की मदद करना, साथ ही साथ हम लोगों के लिए जगह उपलब्ध कराकर क्वारंटाइन करवानी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नागपुर ने 2 दिन क्वारंटाइन किया, दोनों दिन हम लोगों को घेर लिया गया कि इनको यहाँ से भगाया जाए। तो हम इनका भी बहुत सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और परवीन बानो का भी, जो हमारे इसी वार्ड की पार्षद हैं परवीन अंसारी, इन्होंने भी हमारे नागपुर से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और हर तरह की मदद की। और उन तमाम लोगों का, इसमें हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब शामिल हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से खर्च किया हम लोगों के लिए और सजदे में गए और अल्लाह पाक से, ईश्वर से दुआ मांगी, जिसकी वजह से आज हम लोग इस स्वस्थ दिख रहे हैं। और इसी हालत में अभी हम थोड़ी देर के बाद हमारे डॉक्टर संजय मिश्रा साहब हम लोग को यहाँ से रिलीव करेंगे। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।